हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? बोर्ड के एग्ज़ाम की तैयारी आई होप सबने कर ली होगी। माइट हैव प्रिपेयर्ड फॉर द बोर्ड एग्ज़ाम। सो बोर्ड का पेपर कैसे करें? फिजिक्स में ये एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है कि हमें पता होना चाहिए पेपर में क्या होगा, कैसे अटेम्प्ट करना है। आई एम गिविंग यू वेरी स्मॉल टिप्स, छोटी छोटी बातें जो ध्यान में रखनी है एग्ज़ाम से पहले, एग्ज़ाम करते समय। फर्स्ट थिंग, मानकर चलें पेपर इजी होगा। यस, अगर आपने पूरा प्रिपेयर किया हुआ है, मानकर चलें पेपर इजी होगा, इट वोंट बी टफ। देयर कैन बी थ्री और फोर क्वेश्चंस, चार पांच क्वेश्चंस हो सकते हैं जो थोड़े ट्रिकी हों, आपको लगे कि हाँ थोड़े ट्रिकी हैं। डोंट पैनिक, सोचेंगे ध्यान से तो उनका आंसर भी आपको याद आ जाएगा, समझ आ जाएगा इसमें क्या लिखना है। यू विल फाइंड मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन यू ऑलरेडी डन। ज़्यादातर क्वेश्चन जो पेपर में दिखेंगे आपको लगेगा आपने पहले किए हुए हैं, तो डरे नहीं, डर कर पेपर ना करें, बी बोल्ड एनफ टू सॉल्व दैट पेपर। डायग्राम्स का बहुत बड़ा रोल है, मेक श्योर यू ड्रॉ डायग्राम्स वेयर एवर नेसेसरी, पूछे जाएं या ना पूछे जाएं, आपको अपना आंसर एक्सप्लेन करने के लिए अगर डायग्राम लगता है होना चाहिए, यू ड्रॉ इट, ठीक है। कुछ क्वेश्चन होंगे जहां डायग्राम्स पूछे गए होंगे, मेक श्योर यू ड्रॉ दोज डायग्राम्स विथ स्केल, प्रॉपर स्केल यूज करके पेंसिल से उन डायग्राम्स को ड्रॉ करें। अदरवाइज बाकी क्वेश्चंस में जहां आपको सिर्फ एक्सप्लेनेशन के लिए डायग्राम की जरूरत है, पूछा नहीं गया है, तो यू कैन यूज रफ डायग्राम्स। टेलीस्कोप माइक्रोस्कोप के डायग्राम्स अगर बना रहे हैं, प्रॉपर डायग्राम्स बनाए स्केल से। जितने भी डेरिवेशंस करने हैं, जो भी डेरिवेशंस आप करेंगे एग्जाम में होंगे, उनमें मेक श्योर यू राइट इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन जरूर लिखें, डायग्राम्स जरूर बनाएं। कोई भी डेरिवेशन हो, उसमें हर डेरिवेशन में कोई ना कोई डायग्राम होता है उसको एक्सप्लेन करने के लिए, और फिर डेरिवेशन करने से पहले इंट्रोडक्शन जरूर लिखी जाए। लेंस रे ऑप्टिक्स में एक क्वेश्चन था कि फाइंड द चेंज इन फोकल लेंथ, लेंस हैज बीन प्लेस इन अ मीडियम। ध्यान से उसको एक बार फिर से रिवाइज कर लें, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ सकता है। एंड रिजल्ट क्या है, चेंज इन फोकल लेंथ चाहिए या न्यू फोकल लेंथ चाहिए, एंड दिस कैन बी अ प्रॉब्लम विद मैनी क्वेश्चन। क्या पूछा गया है, हो सकता है हमने आंसर निकाला है लेकिन वो चीज़ नहीं फाइंड किया जो एक्चुअली पूछी गई है, तो कोई भी आंसर फाइंड करने के बाद काउंटर चेक करें what actually has been asked। पेपर डर कर ना करें, फिर से कह रहे हैं, have faith in God, खुद में विश्वास रखें, फिजिक्स का पेपर अच्छा होगा। कोई दिक्कत हो, गिव मी अ कॉल, इफ यू आर लूजिंग कॉन्फिडेंस आई एम स्टिल अवेलेबल। गॉड ब्लेस यू ऑल, ऑल द बेस्ट, टेक केयर, पेपर अच्छे से करके आना है, एंड प्लीज लेट मी नो हाउ यू डिड द पेपर। थैंक यू, God bless you all.